Hello students, I hope you all are doing well. So in this video lecture, I am going to discuss about lymph. So lymph, what is lymph and how it is different from blood, we are going to discuss in this class. Actually, lymph is nothing else, it is similar in composition to blood plasma. So lymph, we will write here. So this is lymph. I am going to tell you this. Lymph is similar in composition to blood plasma. What are the basic features of lymph? These are straw colored fluid. These are straw colored fluid. That contain blood plasma. That contain blood plasma. But they are without WBC, without RBC. No RBCs are there, no, without RBC, platelets and plasma proteins. Na to yahan pe RBC honge students, na platelets honge, na hi plasma protein hoga. Aap aisa keh sakte hain simply ki jo lymph hai usme basically kiska composition hoga? WBC. यहाँ पे स्पेशल डब्ल्यूबीसी सेल्स होंगे जिनको हम लोग क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, जो सेल्स लिम्फ को कॉन्स्टिट्यूट करेंगे दे आर कॉल्ड एज लिम्फोसाइट्स एंड दे विल फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शन इसी वीडियो लेक्चर में स्टूडेंट्स मैं आपको ये भी बता दूं कि ब्लड और लिम्फ में क्या बेसिक डिफरेंस होता है तो हम लोग को ज्यादा अच्छा लगेगा. एक्चुअली में मैंने आपको पहला पॉइंट बताया कि जो ब्लड होता है उसमें आरबीसी भी प्रेजेंट होते हैं, डब्ल्यूबीसी प्लेटलेट्स तो होता ही है. पहला पॉइंट तो यही हो गया. दूसरा पॉइंट, रेड ब्लड जो होता है रेड इन कलर होता है क्योंकि प्रेजेंस होता है वहां पे हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन. जबकि यहाँ पे ये लिम्फ जो है वो कैसा होगा स्टूडेंट्स, लाइट येलो होगा. And it does not contain RBC and hemoglobin. ना इसमें RBC होंगे ना hemoglobin होगा. Blood जो है वो oxygen को carry करेगा, lymph oxygen को carry नहीं कर पाता. It will not carry oxygen. Does not carry oxygen. Next part अगर हम लोग बात करें तो जो blood है वो एक closed circulatory system का part है और जो lymph है it is a part of open circulatory system. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम. और इस ब्लड में क्या क्या होगा स्टूडेंट, आरबीसी होंगे, डब्ल्यूबीसी होंगे, कुछ प्लेटलेट्स होंगे. जबकि लिम्फ में मैंने आपको बताया, ये पॉइंट आप मार्क कर ले स्टूडेंट्स, लिम्फोसाइट्स प्रेजेंट होंगे बट दे डू नॉट हैव आरबीसी प्लेटलेट्स प्लाज्मा प्रोटीन्स. रिमेंबर दिस पॉइंट वेरी वेल. तो चलिए अब बात करते हैं स्टूडेंट्स की लिम्फ के फंक्शंस क्या होते हैं. अगर हम लिम्फ के फंक्शन की बात करें तो इनके पास डब्ल्यूबीसी काफी अच्छे अमाउंट में है. तो हम लोग ऐसा कह सकते हैं जो लिम्फ का फंक्शन है, आई एम यूजिंग डिफरेंट कलर हियर. सो फंक्शन की अगर बात करें तो ये एक्सेस जो फ्लूड होगा उसको कलेक्ट करेगा. इट विल कलेक्ट एक्सेस फ्लूड. That has diffused out from blood capillaries and it will absorb and carry fat from intestine. Fat ko absorb karega, it will absorb and carries fats from intestine. और आपको मैंने बताया कि lymph में lymphocytes present होंगे, antibodies होंगी. और आपको पता है antibody और antigen की लड़ाई होने वाली है हमारी body में. जो भी फॉरेन पार्टिकल हमारी बॉडी पे अटैक कर रहा है स्टूडेंट्स उसको हम लोग एंटीजन बोलते हैं. और हमारी बॉडी में जो भी प्रोटीन सिक्रीट हो रही है दे आर कॉल्ड एज एंटीबॉडीज. और ये क्या करेगा लिम्फ, CO2 को कलेक्ट करेगा, वेस्ट प्रोडक्ट को कलेक्ट करेगा और अदर प्रोडक्ट जो भी हमारे टिश्यूज में स्टूडेंट्स बनते हैं. तो इस तरीके से आप ऐसा बोल सकते हैं कि लिम्फ सिर्फ एक ही डायरेक्शन में फ्लो होता है. इट फ्लोज इन वन डायरेक्शन ओनली, टिश्यू से हार्ट में जाएगा. जबकि ब्लड के लिए हम ऐसा नहीं कह सकते. ब्लड
हार्ट से टिश्यू में भी जाता है, टिश्यू से हार्ट में भी जा रहा है, ठीक है। तो ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में चलेगा। और जो लिम्फ का मूवमेंट होगा स्टूडेंट्स, बहुत ही स्लो होता है, आप ये पॉइंट को भी याद रखें, स्लो मूवमेंट होगा, ठीक है। और लिम्फ का जो फॉर्मेशन है उसका जो रेट है, इट इज इक्वल टू लिम्फ रिटर्न टू द बॉडी। जो जितना लिम्फ बन रहा है, जितना लिम्फ वापस आ रहा है बॉडी में अंडर नॉर्मल कंडीशन, उतना ही लिम्फ बनता रहता है। और अगर हम लोग लार्जेस्ट लिम्फेटिक ऑर्गन की बात करें स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा बोर्ड में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप याद रखेंगे स्प्लीन इज वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑर्गन विच इज लिम्फेटिक ऑर्गन। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज लेक्चर स्टूडेंट्स, आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर योर स्टडीज एंड फॉर योर इंफॉर्मेशन, फॉर अपग्रेडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। सो आई होप वी विल मीट सून। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन स्टूडेंट्स। बाय बाय, टेक केयर।